अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको यहाँ पर कॉल करना चाहूंगा। ये हमारे गेस्ट है, मैंने पहले ही बता दिया कि जंगल के शेरों को देखना कुछ और ही बात होती है, तो कैसे इनवाइट करना चाहिए ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। सो प्लीज पुट योर बोथ हैंड्स टुगेदर एंड हेल्प मी वेलकम बहुत खुशी है आप लोगों के साथ यहाँ पर वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। वेलकम, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं मुझे ये जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए। एक एक करके हाथ ऊपर करके बताइए कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए। यस सर, कुछ जानने के लिए साहब यहाँ पर आए हैं, कुछ जानने के लिए। यस सर, कुछ सीखने के लिए। क्या सीखना चाहते हो आप? सक्सेसफुल कैसे बनना है। यस सर, क्या सीखना है? मोटिवेट होने के लिए। क्यों मोटिवेट होना चाहते हो आप? जिंदगी में आगे क्यों बढ़ना है? सपने हैं तो क्या हो गया? अभी तक तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो यहां पर आए हैं सपनों को साकार करने के लिए, कोई मोटिवेट होने के लिए आया है, तो कोई सीखने के लिए आए हैं यहां पर से कोई? क्यों आए हैं आप? यस सर, पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए ये जेंटलमैन यहां पर आए हैं। यस सर, आग लेने आए हैं। आग लेने आए हैं साहब यहाँ पर। मुझे खुशी है कि आप लोग यहाँ पर बहुत लंबे इन बंबई से और सूरत से, बड़ौदा से, सब जगह से, अहमदाबाद से आप लोग यहाँ पर आए हैं। थोड़ी सी अपने बारे में बात करूंगा और उसके बाद आगे चलूंगा। और क्या सीखना है आपको? और क्या सीखना है मतलब आप अगर मेरे को एकदम क्लियर कर, ये तो बोल दिया आपने मेरे को मोटिवेट होना है, और किसी ने कहा कि मुझे कुछ सीखना है, और किसी ने कहा कि आपको सुनने के लिए आए। और क्या सीखना चाहते हो? और क्या जानना चाहते हो? कोई भी ऊपर से किसी ने हाथ नहीं उठाया। चलिए, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। लेडी आउट देयर सेज यस। पैसे की जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए। अच्छा, ओके, यस, somebody else, यस सर। जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आवे, ये एक पते की बात आपने कही, क्योंकि कई लोगों को मैंने लाइफ में देखा उठते हुए और फिर बैठ जाते हैं। कोई दो तीन महीना ऊपर रहता है फिर चार पांच महीना गायब हो जाता है, कोई पांच छह महीना ऊपर रहता है और उसके बाद गायब हो जाता है। ये क्यों होता है ये मैं जानता हूं। तो जिंदगी में हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, एक खाली तीन महीना नहीं, चार महीना नहीं, लेकिन हमेशा के लिए जिंदगी भर अगर मोटिवेटेड रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये उन्होंने मुझसे पूछा। मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि साढ़े चौबीस साल हो गए मेरे को, साढ़े चौबीस साल हो गए, ऐसा कोई दिन नहीं रहा, ऐसा कोई हफ्ता नहीं रहा, ऐसा कोई महीना नहीं रहा, ऐसा कोई साल नहीं रहा जहां पर मुझे कोई तकलीफ हुई और मैं डाउन हुआ। साढ़े चौबीस साल, 24 and a half years से मैं लगातार और बताइए क्या सीखना चाहते हैं, और बताइए क्या सीखना चाहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी सक्सेस। यस सर, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे इतिहास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा संतोष नायक, ये जेंटलमैन पूछ रहे हैं। यस सर, क्या बनने के लिए? समबड़ी बनने के लिए। अच्छा, आई एम नो बडी, आई वॉन्ट टू बी ए समबड़ी। समबड़ी बनने के लिए ये यहां पर आए हैं कि कुछ मैं करके दिखाऊं, कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि लोग बोले यार इसके माफत बनना है, इस इंसान के माफत बनना है, क्या बात करता है यार, इसकी क्या चाल है, इसकी क्या अदा है, इसकी हर बात में मस्ती है, मैं इसके माफत बनना चाहता हूं, मैं ये समबड़ी बनना चाहता हूं, मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जिसको देखने के बाद लोगों के मन में एक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जुनून, जोश, पागलपन पैदा हो जावे, इस तरह मैं इंसान बनना चाहता हूं, इसके लिए यहां पर आए हैं। और कोई? चलिए चलिए। यस सर, क्या बनने के लिए?
कॉन्फिडेंट ओके नेटवर्क मार्केटिंग में वंश का इतिहास लिखने के लिए साहब यहां पर आए, कोई यहां से नीचे से? यस सर, हाँ जी, नायर साहब बनने के लिए। आज से कई साल पहले की बात है, 1983 की बात करता हूं, आज से 23-24 साल पहले एसवाई बीकॉम में पढ़ता था। एसवाई बीकॉम यानी के 14वीं में पढ़ता था, उस जमाने में बीकॉम पढ़ता था। एक जमाने में फादर ने उठ गया, सुबह सुबह फादर उठे, मेरे पिताजी उठे और उन्होंने कहा कि आगे से मैं तेरे पढ़ा नहीं सकता हूँ। ये 83 की बात है, जब मैं एसवाई बीकॉम में था, आगे से मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता हूं, मेरे पास पैसे है नहीं। 18 महीने से भाड़ा नहीं भरा था हमने, 18 महीने से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को हमने भाड़ा नहीं भरा था, तो घर खाली करने का नोटिस आ चुका था। बड़ी बहन की उम्र हो चुकी थी, शादी नहीं हो रहा था, पैसे नहीं थे। छोटी बहन की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का था, पैसे नहीं थे। मुंबई में जितने हमारे आजू बाजू में जितने किराने की दुकान है, जितने दूध वाले हैं, सबसे हमने उधार लिया था। और जब पिताजी ने कहा कि मैं तुझे आगे पढ़ा नहीं सकता हूं, बड़ा दुख हुआ मेरे को। और मेरे सामने दो रास्ते थे, एक या तो मैं पढ़ाई को छोड़ दूं, या तो फिर मैं कुछ करूं और अपना पढ़ाई को कंप्लीट करूं। न जाने मेरे मन में ऐसा क्यों लगा कि मुझे कम से कम ग्रेजुएट बनना चाहिए, उसका फायदा क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, ये बात अलग है। लेकिन मैं बनना चाहता था एक ग्रेजुएट तो कम से कम। तो मैंने क्या किया, 1983 में मेरे दोस्त के साथ मैंने सुबह 1983 में जब ये बात हुई, एक दिन सुबह उठ के मैंने न्यूज़पेपर का धंधा चालू कर दिया। घर घर में जाके मैं न्यूज़पेपर डालता था, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स बोल के बंबई में एक जगह है, वहां पर मैं घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। और न्यूज़पेपर डालने के बाद शाम सुबह 7:30-8 बजे के करीब मैं कॉलेज में जाता था पढ़ाई करने के लिए। दोपहर के टाइम पे मैं अकाउंटेंट का नौकरी करता था चीरा बाजार बोल के जगह में बंबई में, और रात के टाइम पे मैं ट्यूशन लेता था। इस तरह से 600-700 रुपए कमा के जब मैं मेरे फादर के हाथ में, पिताजी के हाथ में देते थे, तो उसको उनको ऐसा लगता था कि 6-7 करोड़ रुपए के बराबर है। और ये पैसा जब उनके आंखों में वो चमक देखता था, मुझे ऐसा लगता था इस दरिद्रता से, इस छोटी जिंदगी से, इस बहुत ही तकलीफ वाली जिंदगी से मुझे निकलना है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था करना क्या है, जो भी मुझे आता था वो मैं कर रहा था। जिंदगी ऐसी बीत रही थी, जिंदगी को बिता रहा था, जी नहीं रहा था, जिंदगी को बिता रहा था इस तरह से। तो एक दिन रात चलते चलते 1985 में मिल गया मेरे को स्वामीनाथन अय्यर, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। अय्यर ने मुझसे पूछा, संतोष तू करता क्या है? और अय्यर जब जॉन वाइट इंडिया लिमिटेड बोल के फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाई बनाती है, उस कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। अय्यर ने मुझसे पूछा, संतोष तू करता क्या है? मैंने पूरी कहानी बता दी। मैंने कहा कि रोज सुबह न्यूज़पेपर डालता हूं, दोपहर को उसके बाद कॉलेज जाता हूं, उसके बाद अकाउंटेंट की नौकरी करता हूं और रात को मैं ट्यूशन लेता हूं। तो अय्यर ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यार संतोष तुझे याद है कुलकर्णी? तुझे मालूम है अपने गली का कुलकर्णी पिछले 32 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा है? जिस पेड़ के नीचे से उसने अपने धंधे को चालू किया था, उसी पेड़ के नीचे आज भी वो बैठा है। अगर तू ये सोचता है कि घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालने से अगर तू पैसे वाला बनेगा, ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी संतोष। खाली अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए और जीना है सिर्फ पैसे भी करके, तो बात अलग है, न्यूज़पेपर ही नहीं कोई भी धंधा कर सकते हो। लेकिन अगर जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है तो न्यूज़पेपर से काम नहीं चलेगा। और तू बोलता है अकाउंटेंट का नौकरी कर रहा है, आज तुझे 400 रुपया दे रहा है वो सिंधी फाइनेंसर जिसके उधर तू काम कर रहा है, अगले साल 500 हो जाएगा, अगले साल 600 हो जाएगा, अगले साल 700। आज से 15 साल के बाद जब तेरी उम्र 35 की होगी, तेरे 3,500-4,000 का पगार होगा। अब 35 बरस का उम्र का आदमी 3,500-4,000 रुपया जब कमाएगा, वो अपने बीवी बच्चों को किस तरह की जिंदगी देगा, वो अपने माँ बाप के कौन से सपने पूरे करेगा, इसका तू अंदाज अभी का भी लगा सकता। तुझे 15 साल बिताने की जरूरत नहीं, मैंने तेरी कहानी अभी की अभी बता दी। 15 साल के बाद क्या होगा मैं तेरे को अभी बता दिया। बंबई की किसी गली में वही 3,000-4,000 रुपए का तू अकाउंटेंट बन के रह जाएगा। और ये जो ट्यूशन लेता है, आज एक ट्यूशन के लिए 100 रुपए मिल रहा है, कल 200 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन एक बात पक्का है संतोष नायर, तू जिंदगी में बड़ा आदमी कब ना बन सकेगा, कभी ना बन सकेगा। तू कभी वो पैसे नहीं कमा सकेगा जिसकी वजह से तेरे फादर की ये जो उधारी है और तकलीफ है, इससे तू कभी अपने फैमिली को बाहर नहीं निकाल सकेगा। तेरे बाप ने उधार लिया, तू भी उधार लेगा। तेरे बाप तकलीफ में जिंदगी बिताया, तू भी निकालेगा वैसे ही जिंदगी।
तेरे माँ बाप के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तू जिस औरत से शादी करेगा उसको तू कभी ताजमहल दिखा नहीं पाएगा, जो तेरे बच्चे होंगे वो कभी अमेरिका जाके या जापान जाके या सिंगापुर जाके ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तू एक छोटी सी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेगा, छोटी सी जिंदगी होगी, मुकेश के दर्द भरे गाने होंगे और तेरी जिंदगी ऐसा किसी को मालूम किए बिना तू इस दुनिया से चला जाएगा। अगर ऐसे ही जाना है तो अभी क्यों नहीं चला जाता इस दुनिया से? 20-25-40 साल जीने के बाद क्यों जा रहा है? अभी आत्महत्या कर ले। जब अय्यर ने इस तरह से मुझसे पूछा तो मुझे ऐसा लगा यार आग लग गई मेरे अंदर। मैं बोला यार ये क्या लाइफ है? और मैंने देखा कि मेरे फादर ने किस तरह से लाइफ जिया और उनके जो जितने कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उनके भाई लोग थे, जिस तरह से उन्होंने लाइफ जिया, तो मेरे को पूरा 30-40 साल का मेरा कहानी सामने नंगा नजर आ गया। और तब मैंने डिसाइड किया यस कुछ करना तो पड़ेगा। और वो टाइम पे मैंने स्वामीनाथन अय्यर से पूछा कि अय्यर करना क्या पड़ेगा मुझे, अय्यर मुझे करना क्या पड़ेगा। अय्यर से मैंने जब पूछा कि मुझे करना क्या पड़ेगा, अय्यर ने मुझसे कहा कि जिंदगी बनानी है, नाम कमानी है, शौहरत कमानी है, इज्जत कमानी है, पैसे कमाने हैं, अपने एक एक सपने को पूरा अगर करना है तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही धंधा है, एक ही प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में अगर तू चला गया तो तू नाम, इज्जत, शौहरत सब कुछ कमा सकेगा और वो है प्रोफेशन, द प्रोफेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के प्रोफेशन में चला जा, बेचने की प्रोफेशन में चला जा और अगर तू उस प्रोफेशन में अगर ईमानदारी के साथ वो सब किया जो करना चाहिए तो तू जीवन में जो जो करना चाहता है, जितने भी तेरे सपने हैं सब कुछ साकार हो जाएंगे। लेकिन मैंने आज से अय्यर से पूछा लेकिन यार मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मेरे को तो खाली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट, जो हमने अकाउंटेंसी में सीखा था, जो बीकॉम में सीखा था वो आता है, लेकिन मुझे तो सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने मुझसे कहा अमिताभ ने एक्टिंग के पहले एक्टिंग कभी की नहीं थी, आशा भोसले ने गाने के पहले कभी गाया नहीं था, जाकिर हुसैन ने तबला बजाने के पहले कभी बजाया नहीं था और तू भी सेल्समैन बनने के पहले सेल्स में था नहीं। तो कोई भी इंसान कोई भी एक प्रोफेशन में मास्टरी करके मां के कोख से नहीं आता। तो मिस्टर नायर तेरे अगर मन में आग है, तेरे जीवन में कुछ कर दिखाने की भावना है तो एक प्रोफेशन चुन और यही है प्रोफेशन जिसमें तुझे नाम, इज्जत, शौहरत, ये प्रोफेशन में तुझे 5-6 रुपए अगर महीने के चाहिए तो 5 मिलेंगे, अगर 25,000 महीने के चाहिए तो 25 मिलेंगे, अगर 50 चाहिए तो 50 मिलेंगे, अगर तुझे 1,00,000 रुपया चाहिए तो 1,00,000 रुपया मिलेगा, 2,00,000 चाहिए तो 2,00,000, तू बोल तेरे को कितना चाहिए, तेरे चाहतों के हिसाब से, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसा मिलेगा, तेरे जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरे चाहतों के हिसाब से तुझे पैसे मिलेंगे, वो है सेल्स का ये लाइन। मैं बड़ा खुश हो गया, लग गया मेरे में आग कुछ कर दिखाने की भावना, बहुत ही इंस्पायर्ड हो गया मैं और मैंने डिसाइड कर दिया आज से 24 साल पहले कि मैं बनूंगा सेल्समैन। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा, मैं बन गया सेल्समैन, ऐसे मैं बन जाऊंगा सेल्समैन मैंने सोचा और मैंने बहुत सारे इश्तेहार देखे न्यूज़पेपर में, सब में मैंने लिखा लेकिन कहीं से मुझे कोई कॉल नहीं आया। तब एक दिन बैठा हुआ था सितंबर में तो बहुत बड़ा एड मैंने देखा, वांट टू मेक इट बिग इन लाइफ, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, 6 महीने में बाइक खरीदना चाहते हो, कम टू यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स सुना आपने? यूरेका फोर्ब्स क्या करती है, क्या बेचती है? वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम साफ सफाई की जो मशीन होती है, इलेक्ट्रिक की साफ सफाई की जो वैक्यूम क्लीनर होती है वो, और एक्वागार्ड वाटर प्यूरिफायर जो होता है, वाटर प्यूरिफायर बेचती है। और ये कंपनी के बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं था, तो बढ़िया सा उन्होंने एड दिया हुआ था कि कम फॉर वॉक इन इंटरव्यू। तो मैं सुबह सुबह चला गया केवल राज सालियन के पास, मेरे दोस्त के पास, मैंने केवल मुझे वर्ली तक जाना, जेब में 1-8 आना नहीं यार, तू 5 रुपए दे दे उधार, 5 रुपए उसने मेरे को दिया और मैं जा रहा था, उसने बोला मुझसे केवल रात साले ने कहा कि तू वर्ली जा रहा ना, मुझे भी वर्ली में काम है तो हम साथ में चलेंगे, तो हम साथ में चले गए। बस में उसने अपना सर्टिफिकेट्स मेरे हाथ में दे दिया था क्योंकि उसके कुछ सर्टिफिकेट्स थे, उसने मेरे बैग में डाल दिया था और जब मैं उतरा जहां पर मुझे जानी थी वो सर्टिफिकेट उसको देने के लिए रह गया, भूल गया मैं, और वो भी लेने से भूल गया। खैर कोई बात नहीं, जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा था बिल्डिंग में तो मुझे याद आया उसकी सर्टिफिकेट, तभी तो कोई मोबाइल मोबाइल तो होता नहीं था और उस टाइम पे, तो मैंने कहा कि चलो शाम को उसको मिलूंगा तब मैं उसको दे दूंगा, ये सोच के मैं ऊपर चला गया। मैं ऊपर जाके 4th माले पे जब मैं पहुंचा और मैंने दरवाजा खोला तो मेरे को एक सेमी हार्ट अटैक आ गया।
मैंने देखा कि 300-400 आदमी लोग एकदम टाई भी लगा के, कोई कोट में मस्त ब्रीफकेस, कोई परफ्यूम बिरफ्यूम मार के, एकदम चकाचक को अंग्रेजी विंग्रेजी में बोलते हुए लोगों को जब मैंने देखा तो मैं समझ गया एक चीज कि यहां पर मेरा कुछ नहीं होगा। घबरा गया मैं, घबरा गया उन सब लोगों को देख के, और मैंने ये सोच लिया कि यहां पर मेरा कुछ नहीं होगा। मैंने दरवाजा छोड़ दिया, दरवाजा आपे आप बंद हो गया। मैं नीचे आ रहा था, सेकंड फ्लोर पे पहुंचा तो केवल रत्सालियन ऊपर आ रहा था। बोले कहां जा रहा है? मतलब मैं तो जा रहा हूं घर, मुझे नहीं लगता कि इधर तो सब एकदम एक से एक तुरम खान की औलाद लोग खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा यहां पर कुछ होगा। उसने कहा एक काम कर, आज सुबह का एक 5 रुपया जो तूने लिया था वो मिला के, सब मिला के 135 होता है। पुराने जितने उधार लिए थे सब मिला के 135 होता, पूरा पैसे अभी दे दे नहीं तो ऊपर जा। पैसे की मजबूरी, पैसे नहीं थे, पैसे की मजबूरी की वजह से मुझे यूरेका फोर्ब्स में जाना पड़ा, और वहां पर जाके 9:30 बजे मैंने बैठ गया। 3:30 बजे 6 घंटे रुकने के बाद, 6 घंटे रुकने के बाद मेरा इंटरव्यू का नंबर आया। तो सेल्स में सबसे पहला लेसन मैंने सीखा कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना और सेल्स में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंस। 6 घंटा चुपचाप मैं कॉर्नर में बैठा था कि मेरा इंटरव्यू अभी आएगा, मेरा इंटरव्यू अभी आएगा। 3:30 बजे जब इंटरव्यू आया, 6-6.5 फीट का एक मल्होत्रा साहब बोल के आदमी ने मेरा इंटरव्यू लिया। अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मल्होत्रा साहब डॉन बॉस्को कॉन्वेंट एजुकेटेड आदमी था, संतोष नायर बर्फी वाला स्कूल में जाता था जहां पर हम हिंदी में बात करते थे ज्यादातर, और मैं जिस कॉलेज में गया था वहां पर हम मराठी में बात करते थे। मल्होत्रा साहब ने जब अंग्रेजी में बहुत सारे क्वेश्चन, कॉन्वेंट एजुकेटेड मल्होत्रा साहब ने बहुत सारे अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछे तो नायर जवाब ना दे सका। मल्होत्रा साहब 3 चीज करते हैं, आदमी अच्छा लगा तो सिलेक्ट डाल दो इसको ट्रेनिंग में, सिलेक्ट। अगर आदमी ठीक ठाक लगा रिजर्व, इसको रिजर्व में रखो, बाद में रिजर्व पुलिस होता ना जरूरत पड़ने पे ले लेंगे, वैसे पुलिस घूमती रहती है। जो रिजर्व पुलिस होता उसको जो एकदम लफड़ा हो जाता तो फिर उसको बुला लेते हैं, तो रिजर्व में डाल दो, जब भी हमारे पास कोई कुत्ता होगा नहीं तो इसको उठा लेंगे। और तीसरा मल्होत्रा साहब करते थे, आदमी उनको ठीक ही नहीं लगा तो उसको रिजेक्ट, और मेरे को तीसरा कैटेगरी में डाल दिया, मुझे रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज आई डिड नॉट लुक लाइक ए सेल्समैन, मैं ना सेल्समैन के मार्फत दिख रहा था, ना मैं सेल्समैन के मार्फत बोल रहा था, ना मेरे में ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिसको देख के मल्होत्रा साहब को ऐसा लगा कि यह आदमी सेल्स में कभी कुछ कर पाएगा। और इतना पतला सा था मैं, सब मिला के 40-45 किलो का होगा। मल्होत्रा साहब ने सोचा 20 किलो का अगर सूटकेस इसके हाथ में वैक्यूम क्लीनर देगा ये वैसे ही मर जाएगा साला। मल्होत्रा साहब ने रिजेक्ट कर दिया, मल्होत्रा साहब ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने ये बताया 15 दिन में बताएंगे। ये तो मुझे आज मालूम पड़ता है 15 दिन में बताने का मतलब है कि रिजेक्ट हो गया। तो मैंने बोला यस सर 15 डेज में आप बताइए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं घर गया, बड़ी खुशी से अपने माँ को पूरे डिटेल में समझा दिया कि मैं आज इंटरव्यू देने गया था। मैंने पूछा कौन सी कंपनी में यूरेका फोर्ब्स, बोले वो कौन सी कंपनी, मतलब मैंने भी पहले सुना नहीं था। बोले तुझे करना क्या, बोला मेरे बोला कि घर घर में जाना पड़े, घर घर में जाना पड़ेगा, एक एक घर में जाना पड़ेगा। और घर घर में जाके क्या करने का, मतलब घर घर में जाके वैक्यूम क्लीनर बेचना पड़ेगा। 18 किलो का सूटकेस है, वो सूटकेस लेके एक एक घर में जाना पड़ेगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन। बोले ये वैक्यूम क्लीनर क्या चीज होती है, मतलब वो तो मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने बताया कि कुछ साफ सफाई की मशीन है, ये घर घर में जाना है और जाके बेचना है। तू घर घर जाएगा, तू ये 18 किलो का सूटकेस लेके घर घर जाएगा। मेरी मां इतनी घबरा गई कि केस पहुंच गया केएस नायर के दरबार में। अब केएस नायर मेरा बापू है, और दुनिया का जितने भी बड़े टेररिस्ट होते हैं, अगर दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट कोई एक आदमी है तो मेरा बाप दूसरा नंबर में आता है। इसका मतलब यह है कि इतना खतरनाक उसका बिहेवियर है कि हमारे खानदान में उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई कुत्ता जाता नहीं। मेरे बापू को 3 बच्चे कैसे पैदा हो गए मेरे को आज भी डाउट है। मेरी माँ उससे आज भी इतनी घबराती है कि उसके सामने गई कैसे और मैं पैदा कैसा हुआ, ये भी मेरे को आज एकदम टेंशन में है। इतना खतरनाक आदमी जो मतलब खड़ा नहीं करता किसी को।
आजकल 73 का है टोटल बेड, पुराना हिसाब किताब हम कर सकते हैं अभी, लेकिन अभी भी वो रूम में जाने को अपनी एकदम स्पेयर पार्ट हिल जाता है। आज भी बेड पे है लेकिन वहां नहीं जा सकते, एकदम हवा है, हवा एकदम डरावना आदमी है। यू नो, केस जब उनके दरबार में गया और बोला बेटा बोलता है सेल्समैन बनेगा, घर घर में जाएगा, पेटी लेके घूमेगा, मेरे बाप ने ऊपर से नीचे देख लिया मेरे को एक ही नजर में और मेरा सेल्समैन का करियर उधर ही खलास हो गया। बोले ये सब सिंधी पंजाबी लोग का काम है, समझ में आया तुझे, ये सब सिंधी पंजाबी लोग करते हैं घर घर में जाने का, ये सब हम मद्रासी लोग नहीं करते। मुझे देख, मैं 35 साल से एक जगह में काम कर रहा हूं, एकदम एक ही कंपनी में, केईसी इंटरनेशनल में, और अभी मेरा और 15 साल बचा हुआ है, एक जगह पे रहे, अभी तेरा अच्छा अकाउंटेंट का नौकरी चल रहा है, आज 400 रुपए पगार है, कल 500 हो जाएगा, जिंदगी तेरी मस्त चलेगी, मुझे देख। वो रात पहली बार मैंने अपने बाप को बराबर देखा और देखने के बाद यह तय किया कि इसके माफत तो बनना नहीं है। अच्छा हो गया उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे देख, ना वो बोलते ना मैं बराबर देखता, क्योंकि इतने साल में तो उसको देखा ही नहीं अपन ने। वो रात देखने के बाद तय हो गई बात कि इसके माफत तो बनना नहीं है, इसने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा जिसको देख के हम उसके माफत बने। तो ये बात तय हो गई कि फादर के माफत बनना नहीं है। मोहब्बत तो आज भी अपने बाप से करते हैं उतने ही जितना पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन इसके माफत मुझे देख मेरे माफत बन, मैंने ये डिसाइड किया इसके माफत नहीं बनूंगा। और ये बात पक्का हो गया वो रात, अय्यर का बात पक्का हो गया, बाप को मिलने के बाद अय्यर का बात पक्का हो गया कि अब तो मैं सेल्समैन बन के ही रहूंगा। लेकिन उनको बताया नहीं क्योंकि घबराता था मैं उनसे, और मैंने कुछ बताया नहीं, और यहां से भी कोई कॉल नहीं आया, महीना भर बीत गया कोई कॉल ही नहीं आया यूरेका फोर्ब्स से। तो एक मतलब कहानी ऐसी जाती है कि आधा बंबई मल्होत्रा साहब संभालते थे, यूरेका फोर्ब्स आधा बंबई मल्होत्रा साहब संभालते थे, आधा बंबई जो था अनिल कुमार गुप्ता बोल के दूसरे ब्रांच मैनेजर के पास थे। उस जमाने में अनिल कुमार गुप्ता साहब जो दूसरे ब्रांच मैनेजर, उनको आदमी की जरूरत पड़ी, उन्होंने बहुत एड वगैरह डाला लेकिन उनको कोई नहीं मिला और एकदम डेस्परेट हो गए, एकदम उदास हो गए, और एक दिन मल्होत्रा साहब के पास जाके बैठ गए जो दूसरे ब्रांच मैनेजर थे। बोले यार मल्होत्रा तेरे पास कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है तो दे यार, मुझे 15 जन का एक नया टीम खड़ा करना है। मल्होत्रा साहब ने बोला यार ये टाइम मैंने एड डाला था, इतना मैंने एड डाला लेकिन मुझे कोई आदमी नहीं मिला, जो मिले मैंने सबको ले लिया। बोला अच्छा ठीक है यार, तेरे पास कोई रिजर्व कैंडिडेट तो होगा, रिजर्व कैंडिडेट अगर तू दे देगा तो मैं एक टीम खड़ा कर दूंगा, तो मेरे को यार तेरा रिजर्व क्या। बोले यार ये टाइम मैंने जो रिजर्व कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट समझते हुए मैंने सबको सिलेक्ट करके ले लिया, तो मेरे पास रिजर्व कैंडिडेट भी नहीं है। बोले यार मल्होत्रा तेरे पास कोई रिजेक्ट माल तो होगा। बोले बहुत सारे हैं और उसमें मेरा नंबर भी था। मल्होत्रा साहब ने गुप्ता साहब को सभी रिजेक्टेड कैंडिडेट, आड़े टेढ़े जितने भी नॉनसेंस वाले आदमी थे, जितने बेकार जो लोग थे, उनका पूरा लिस्ट उठा के गुप्ता साहब को दे दिया। गुप्ता साहब ने उसमें से छाटम छाटी करके न जाने क्या टेक्निक यूज करके एक टेलीग्राम भेज दिया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती 1985 दोपहर के 2 बजे मेरे हाथ में एक टेलीग्राम आया, रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू 9:30 इन द मॉर्निंग 3 अक्टूबर 1985। तकदीर ने वहां साथ दिया, तकदीर ने वहां साथ दिया कि टेलीग्राम के एस नायर के हाथ न लगा, इसको बोलते हैं ऊपर वाले की देन, कि तकदीर ने वहां साथ दिया कि टेलीग्राम के एस नायर के हाथ में नहीं लगा, लगा होता तो आज चीरा बाजार की गलियों में मैं आज भी 4000 रुपए का अकाउंटेंट का नौकरी करता बैठा। तो मैंने जैसे देखा टेलीग्राम अंदर डाल दिया और मैंने मन में सोच लिया यार रिपोर्ट फॉर फाइनल इंटरव्यू, अगले दिन 3 अक्टूबर 1985 को गुप्ता साहब के सामने जाके मैं बैठ गया। उन्होंने कहा क्या चाहिए तुझे, मैंने बोला सर मेरे को पैसे कमाने, बोलते ये लाइन में इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा, नाम मिलेगा, मैं बोला वो आप अपने पास रख लो, इज्जत नाम शोहरत मेरे को चाहिए नहीं, फिलहाल अभी रोकड़ा चाहिए।
रोकड़ा ही नहीं लेती, इज्जत लेके मैं क्या करूंगा, शोहरत लेके मैं क्या करूंगा, मुझे रोकड़ा चाहिए सर। मेरे को ये बताओ कि पैसे कैसे कमाया जा सकता है, टेल मी हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे कमाया जा सकता है, बाद में इज्जत शोहरत सब देख लेंगे। आदमी का हाल ही इतना फटा हुआ था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो बोलता है कि मैं तुझे इज्जत दूंगा। तो मैंने बोला ये सब नहीं चाहिए सर, पैसे कमाने का रास्ता बताओ, ईमानदारी वाला रास्ता बताओ, ईमानदारी से जो काम किया जा सकता है और जिसमें पैसे कमा। बोलता है यू हैव ज्वाइंट द राइट प्रोफेशन, सेल्स इज द बेस्ट प्रोफेशन यू हैव ज्वाइंट, कोई टेंशन नहीं लेने का। एंड उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और उन्होंने कहा कि एक बैच में कल सुबह शुरू कर रहा हूं और एक बैच मैं शुरू करने वाला हूं 15 दिन के बाद, 15 डेज के बाद मैं एक बैच चालू करने वाला और एक कल सुबह चालू करना, तू कौन सा ज्वाइन करना चाहेगा। मैं बोला सर 15 दिन के बाद वाला मैं ज्वाइन करना चाहूंगा और बाकी के सब काम सलटा के मैं आ जाता हूं आपके पास। तो उन्होंने एक पते की बात कही, उन्होंने कहा कि देख ऐसा है, ये 15 दिन जो तू अभी नहीं आने वाला है और 15 दिन के बाद ज्वाइन करने वाला, तू काम तो वही अकाउंटेंट का ही करने वाला। मैं बोला यस सर। अभी अकाउंटेंट के काम में तू कुछ नया सीखने वाला? बोला नहीं, वही तू काम करेगा जो पिछले कई सालों से कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तू कुछ नया सीखने वाला नहीं है। और 15 दिन में तू कुछ भी नया अगर सीखने वाला नहीं है और अगर कल सुबह तू 9:30 बजे सेल्स में आ जाता है और कल का कल सुबह तू ज्वाइन कर लेता तो तुझे जिंदगी में हमेशा 15 दिन का एडवांटेज रहेगा, 15 दिन का एडवांटेज तुझे लाइफ में रहेगा। गुप्ता साहब ने कहा कि 15 दिन बहुत होते हैं नायर, 15 दिन बहुत होते हैं, 15 दिन में तो जिंदगी बन जाती है बॉस, 15 दिन में तो करियर बनने का नींव बन सकता है। बात मेरे को गुप्ता साहब की जमी और मैंने कहा कि सर कल सुबह 9:30 बजे आ जाता हूं। और मैं वहां जाके अपना वो जो भी था अकाउंटेंट का नौकरी वगैरह मैंने रिजाइन करके अपने बापू को फोन लगा दिया अपने कंपनी में। अब तुम खाली अंदाज लगा सकते हो कि हिंदी में जितने भी हमारे मलयालम लैंग्वेज में जितने भी माँ बहन की गालियां हैं सब मेरे बाप ने मेरे को ही सुना दिए, सब सुना दिया। मेरे को बोलता तेरे को अक्कल है नहीं, ये नहीं वो नहीं, तेरा मामा भी वैसे ही था, तेरा मामा को मैंने बोला था आर्मी नहीं छोड़ना, उसने भी कीड़े हैं उसको, तेरे में अतरंगी कीड़े हैं, ये है वो है करके उन्होंने इतना गाली दिया कि मैं सुनता रहा और एक पॉइंट आया जहां मैंने बोला बस। पहली बार साला टेररिस्ट भी चुप हो गया। मैं बोला देखो वो जो 600 रुपये मैं आपको दे रहा हूं और अगर मैं आपका बेटा हूं और हर महीने अगर 30 तारीख बोल के एक दिन होगा, हर महीना 30 तारीख बोल के अगर एक दिन होगा और अगर मैं जिंदा हूं और बंबई शहर के अंदर हूं तो 600 रुपये जो मैं आजकल आपको देता हूं वो तो आपको मिलेंगे, भले मैं आपके साथ रहूं या भले मैं आपके साथ ना रहूं, लेकिन 600 रुपये आपको मिलेंगे। मुझे मत रोकी अभी 20 साल में पहली बार 40 सेकेंड मेरे को हिम्मत आई और उसके बाद 22 साल वो हिम्मत कभी आई नहीं, यानी 42 ईयर्स में सिर्फ वो 30 सेकेंड मेरे बाप को नकारने का मेरे में हिम्मत आया। कहने का मतलब ये है इस प्रोफेशन में आने के लिए, सेल्स में आने के लिए मेरे लिए बहुत तकलीफें मैंने झेली और मैंने अपने फादर को बोला कि मैं करियर इसी में बनाऊंगा। मेरे फादर को मालूम नहीं क्या झटका आ गया, बोला अच्छा ठीक है ऐसा तू टेंशन मत ले, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी यूरेका फोर्स सुना नहीं और कोई चोर कंपनी है, पैसे वैसे अगर नहीं मिले तो तेरा ये नौकरी भी चला जाएगा। मैं बोला जो भी होगा अपना हालत इससे तो खराब हो ही नहीं सकता। अपनी हालत इतनी फटी हुई थी इससे ज्यादा फटने का सवाल ही नहीं उठता, इससे नीचे जाने का सवाल ही नहीं उठता कि 18 महीना भाड़ा नहीं दिया तो 19 महीना नहीं दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है कि नहीं। महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड एक और नोटिस भेज देगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तो भाड़ा दिया ही नहीं है। अगर 4 किराने वाले से उधार ले लिया तो 5 से लिया और थोड़ा बदनाम हो गया, वैसे भी बदनामी है। तो बात मेरे को समझ में आ गई कि मुझे इससे निकलना है। एंड देयर फोर ऑन 4th of October 1985 आज से 22.5 साल पहले मैंने यूरेका फोर्स बोल के कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज ए फुल टाइम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ हमारा और उस 5 दिन के ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें गुप्ता साहब ने सिखाई और वो सब बातें सिखाने के बाद हमारे को बोल दिया अब तुम लोग जाओ फील्ड में। 11 अक्टूबर 1985 4:30 बजे दोपहर को मतलब गुप्ता साहब ने 18 किलो का सूटकेस हाथ में पकड़ा दिया, बोला जा। मैं बोला किधर जाऊं? बोले टेरिटरी में।
तो हर सेल्समैन का एक टेरिटरी होता है, एक जगह होता है जहां पर उसको काम करना होता है। तो मुझे भी टेरिटरी दे दिया गया, मेरे को बोला तेरा टेरिटरी है ग्रैंड रोड ईस्ट। बोला सर वो बंबई का रेड लाइट एरिया है। बोलता उधर बहुत पोटेंशियल है। मैं बोला उधर ग्रैंड रोड ईस्ट में? बोले हां तेरा टेरिटरी वो है। खैर कोई बात नहीं, हाथ में 18 किलो का सूटकेस, मन में बहुत सारे सपने और विश्वास लेके 11th अक्टूबर 1985 को जो मैं उतरा फील्ड पे 4:30 बजे, तब से लेके आज तक मैंने जिंदगी में मुड़ के कभी देखा नहीं। 20 दिन बचे हुए थे उस महीने के लिए, 20 डेज वेयर लेफ्ट। उस 20 दिन में काम करना था, और उस जमाने में 3,500 सेल्समैन होते थे यूरेका फोर्ब्स में ऑल ओवर इंडिया, और ये वैक्यूम क्लीनर बेचते थे ये लोग, और महीने का जो एवरेज था वो था 4 से 5 वैक्यूम क्लीनर, 4 से 5 वैक्यूम क्लीनर ये 3,500 लोग बेचते थे, एंड दैट वॉज द एवरेज। और अगर आपने 8 या 9 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर इतना खुश होता था कि आपको लंच पे या डिनर पे लेके जाता और अपने को एक छोटा सा गिफ्ट वगैरह लेके देता, तो बिकॉज अपना ब्रांच मैनेजर खुशी से पागल हो जाता था, बोले 8 बेचा है किसी लड़के ने। और अगर आपने 12 से 13 बेचा या उससे ऊपर बेचा, जो कि कोई बेचता ही नहीं था एक महीने में, हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अखिल मार्फतिया अपना 2000 रोवर गाड़ी में आते थे, 2000 स्टैंडर्ड रोवर गाड़ी में, बड़ा गाड़ी होता था उसमें आते थे, और तुम्हें लेके जाएगा ज्वेल ऑफ इंडिया जो सामने का एकदम बढ़िया सा रेस्टोरेंट था, वहां लेके जाके आपको खाना पीना सब खिलाता था, और आप बोलो वो बदन पे जो भी बदन के पोर्शन पे आपको चुम्मा चाहिए वो लगा देता था। अगर आप बोलो इधर चुम्मा लगा दो सर, तो वो तैयार हो जाता था, पागल हो जाता था इतना कि 12-13 किसने बेच दिया, तो मतलब मार्फतिया साहब इतने पागल होते थे कि बोला 12-13 बेच दिया, फैंटास्टिक। और ये था रिकॉर्ड। तो ये बड़े बड़े तुर्रम खान लोगों को हमको मिलाते थे, जैसे हम लोग भी वो लीडर लोग के सामने बैठे, बोले ये इतना 12 बेचता है, ये 8 बेचता है, ये देखो पिछले 2 महीने से 12 बेच रहा है, ये 8 बेच रहा है पिछले 4 महीने से, ये किंग है, ये डिंग है, ये वो है, ये वो है, ये तोप है, ये फटाकड़ी है, ये AK-47 है, ये लक्ष्मी बॉम्ब है। और हम साले सब उन लोगों को देखने के बाद एहसास हो गया तो हम तो अपनी बॉम्ब है करके, हमने इन लोगों को देखा यार, बोले यार क्या होगा करियर का। खैर कोई बात नहीं, 11th अक्टूबर 1985, हार्ट में सूटकेस, मन में सपना, दिल में बहुत बड़े सपने और मन में बहुत बड़ा उमंग लेके मैं उतर गया। 20 दिन बचा हुआ था, उन 20 दिनों में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेच डाला, 26। और जैसे मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा, मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। तो सब लोग आए और बोले यार ये तो फ्लूक में हुआ लगता है। मुझे भी लगा फ्लूक में हुआ, क्योंकि कभी कभी धंधा हो जाता है, अपने को भी कभी कभी है ना, 3-4 आदमी को ज्वाइन कर लेते तो एकदम अपने को भी लगता बहुत कुछ कर दिया, तो फिर हर महीना क्यों नहीं होता, हर हफ्ता क्यों नहीं होता फिर। तो अपने को भी ऐसा लगा ये फ्लूक में हो गया, लेकिन ये फ्लूक में नहीं था, क्योंकि अगला महीना मैंने 32 वैक्यूम क्लीनर बेचा, उसके बाद मैंने 33 बेचा, उसका अगला महीना 36, उसका अगला महीना 37, उसके बाद 39, उसके बाद 41, उसके बाद 43। लेकिन जिंदगी में कभी पिछले महीने से कम मैंने जिंदगी में कभी नहीं बेचा, कभी नहीं। और ये फिलॉसफी रहा लाइफ का कि मैंने जिंदगी में जितने पैसे लास्ट महीने में कमाया उतना मैं कभी नहीं कमाता हूं, ये मेरा फिलॉसफी है। अगर लास्ट महीना 1 लाख कमाया तो ये महीना 1.25 लाख कमाऊंगा, और अगर ये महीना 1.25 लाख कमाया तो अगले महीना 1.5 लाख। कभी पिछले महीने से कम मैंने लाइफ में 23 साल में नहीं कमाया, लाइफ में। ये फिलॉसफी है मेरा। तो बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन, तो उन्होंने मेरे को बना दिया ग्रुप लीडर, तो मैं बन गया इंडिया का, 4 लड़के मेरे नीचे डाल दिए, मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 ग्रुप लीडर। तो मुझे बना दिया सेल सुपरवाइजर 12 लोगों के साथ, मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल सुपरवाइजर। तो डाल दिया मेरे नीचे 29 लोग और मुझे बना दिया ब्रांच मैनेजर, और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 ब्रांच मैनेजर।
और उसके बाद मैं डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, डिविजनल सेल्स मैनेजर, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर बन गया। और 1994 में जब मैंने यूरेका फोर्ब्स छोड़ा, आई वॉज द यंगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड द रिचेस्ट एम्प्लॉई इन द हिस्ट्री ऑफ यूरेका फोर्ब्स। और मैं ज्वाइन कर लिया सीज फायर बोल के एक फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, सीज फायर फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, आग बुझाने की एक कंपनी को ज्वाइन कर दिया एज डेप्यूटी जनरल मैनेजर। फिर उस कंपनी का मैं जनरल मैनेजर बना। फिर उसके बाद मैं एक ट्रेनिंग कंपनी ज्वाइन किया टीम प्रोडक्टिविटी बोल के, मैं वहां का वाइस प्रेसिडेंट था। उस कंपनी का मैं डायरेक्टर बना। और उसके बाद सात साल पहले मैंने अपनी खुद की कंपनी चालू की जिसका नाम है स्मार्ट कंसल्टेंसी। स्मार्ट कंसल्टेंसी जो है पिछले 7 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में है। एशियन पेंट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, ब्लो प्लस को हम लोग ट्रेन करते हैं, और आईसीआईसी को हम लोग ट्रेन करते हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े कंपनियां हैं, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आप बोल लो जो भी आपके मन में कंपनी का नाम आवे, जो भी कंपनी का नाम आवे, उस कंपनी का या तो एमडी को या सीईओ को या वाइस प्रेसिडेंट को या रीजनल मैनेजर को या ब्रांच मैनेजर को या उस कंपनी का फ्रंट लाइन के लोगों को मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहा ना कहा मैंने बात किया होगा और ट्रेन किया होगा। करीबन 200 टॉप कंपनियां इंडिया के मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, 500 रुपए मेरा पगार होता था यूरेका फोर्ब्स में। तब मैंने एक लक्ष्य रखा, एक टारगेट रखा, कि अभी से 5,000 रुपया कमाऊंगा। भागा 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 और मैंने 5,000 रुपया महीने का कमाने चालू कर दिया। जब मैंने 5,000 रुपया कमाता था, मैंने बोला अब रुकना नहीं है नायर, तुझे 5,000 पे अब तुझे 25,000 रुपया कमाना है। अगला टारगेट रखा, अगला लक्ष्य रखा, अगला पर्पस बनाया, पर्पस लक्ष्य टारगेट रखा कि मैं 25,000 रुपया महीने का कमाऊंगा। और भागा मैंने 25, जैसे मैं 25,000 रुपया कमाने को चालू कर दिया, मैंने अगला टारगेट रखा 50,000 रुपये का। जैसे मैंने 50,000 रुपये महीने का कमाने चालू किया, अगला टारगेट रखा 1 लाख, फिर मैंने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। फिर मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता था, मैं बोर हो गया। मैं बोला ये महीने का चक्कर ही नहीं चले, मेरे को दिन का चाहिए। तब मुझे याद है पहला बार मैंने दिन का टारगेट रखा कि दिन में 3,000 कमाऊंगा। जब मैं दिन में 3,000 रुपया कमाया, थोड़े दिन मैंने कमाया, बोला नायर रुकना नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। मैं सड़ना नहीं चाहता था, मैं रुकना नहीं चाहता था, क्यों रुक गया तो मैं फंस गया। कोई भी इनकम पे रुकना नहीं, कोई भी लेवल पे रुकना नहीं, ना रूबी पे रुकना, ना डायमंड पे रुकना, ना पर्ल पे रुकना, ना सिल्वर पे रुकना, ना गोल्ड पे रुकना, ना किधर में रुकना, रुक गया तो मर जाएगा सर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं रुकूंगा नहीं। और जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा नहीं, मैंने 3,000 रुपया कमाया। उसके बाद मैंने बोला 5 का टारगेट, फिर 5,000 दिन का कमाता था, फिर मैंने 10 का टारगेट रखा, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। आज मैं दिन का 1.25 लाख रुपये से 2 लाख दिन का कमाता हूं, दिन का। और अगर आप मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर, मेरा ब्रीफकेस खोल के मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर देखेंगे, हर दिन बुक्ड हूं। आने वाला 5 महीने में एक दिन मिलेगा नहीं आपको अगर आपको मेरा ट्रेनिंग चाहिए। पूरा 5 महीना बुक्ड है और सबका पैसा एडवांस में ले लिया। रोकड़ा पहला लेता हूं, रोकड़ा दिखाने तो सल मुंह से डायलॉग ही नहीं आता है। लेकिन आजकल मैं बड़ा दुखी हूं, क्योंकि इस तरह की गरीब जिंदगी मैं जी नहीं सकता। अब मेरे को ये 1.5-2 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, अब मेरे को दिन का 5 लाख रुपया चाहिए। तो आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख तक लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं
वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो ऑडियो और वीडियो कैसेट देख रहा हूं और सुन रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाए। और आजकल जिस इंसान के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता हूं मैं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगा। अभी अभी मैं इंडोनेशिया गया था बाली में मेरे गुरु को मिलने के लिए, वो दिन का 25 लाख लेता है, वो मेरा बाप है। ना मैं इसका रॉजर हैमिल्टन, वो जिसके पास जाता है वो दिन का 1 करोड़ लेता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं उन लोगों के संगत में हूं जो मुझे 25 लाख दिन का कमा के दे सकते। मैं आजकल वो बुक पढ़ रहा हूं जो मुझे 25 लाख दिन का कमा के दे सकते। आजकल मैं वो वीडियो देख रहा हूं जो मुझे दिन का वो पैसा ला के दे सकते। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जितने भी टाइम पैसे ऊपर गए ये ऊपर गया, ये बाहर से तो अच्छा हुआ ही हुआ लेकिन ये ऊपर गया। प्लीज अंडरस्टैंड, नॉलेज इज पावर। खाली मोटिवेशनल पेप टॉक से काम नहीं चलता, आदमी के अंदर नॉलेज होना चाहिए। जितना ज्यादा नॉलेज, क्योंकि मैं एक चीज समझ गया, अगर मैं 3000 कमा रहा हूं दिन का तो मेरे पास 3000 की समझ है, और अगर मैं 30000 कमा रहा हूं तो मेरे पास 30000 की समझ है, और अगर मैं 3 लाख कमा रहा हूं तो मेरे को 3 लाख की समझ है, 3 लाख की अंडरस्टैंडिंग है, 3 लाख का विचार है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आपको अगला लेवल पे जाना है पढ़ाई को बढ़ाओ, ऐसे इंसानों के संगत में रहो जो आपको वो अगले लेवल पे लेके जा सकता है। ऐसे ऑडियोस और वीडियो, बाहर अगर आप जाएंगे तो 70 वीडियोस है मेरे, 70, हर वीडियो में आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। सो मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पे 2 रुपए का पेन मिलता था, शार्प का, तो 2 रुपए का पेन रखता था। जब मैं 2 रुपए का पेन रखता था मैंने कहा अब मैं 2 रुपए का पेन नहीं रखूंगा क्योंकि इस पे रुकना नहीं है। तो 40 रुपए का विल्सन का पेन आता था तो मैंने वो पेन रखने चालू किए। 40 रुपए का पेन रखता था, मैं बोला नायर साहब इस पे रुकना नहीं क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। तो वहां से मैं 100 रुपए के अगला फ्लेयर का पेन आता उस पर चला गया। जब मैं 100 रुपए का पेन रखता था तब मैं अगला टारगेट रखा कि मैं 300 रुपए का पेन रखूंगा, 300-400 रुपए का शेफर का पेन रखता था, और शेफर का पेन रखता तो फिर मैंने 1000 रुपए का क्रॉस पेन रखा, सिल्वर क्रॉस पेन, फिर मैंने 2000 रुपए की गोल्ड क्रॉस पेन रखने चालू किया। इस तरह से अगर ये जो पेन है मेरा ये 8261 रुपए का है, मेरा अगला पेन होगा कार्टियर का 1 लाख रुपए का। मुझे याद है मैं कावासाकी बजाज 2-व्हीलर चलाता था सेकेंड हैंड, तब मैंने अगला टारगेट रखा कि अब मैं फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदूंगा। जैसे मैं उसके ऊपर चढ़ा मैं उसको बोला कि मेरा अगला टारगेट मैंने रखा कि मैं सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी लूंगा। जैसे मैंने सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी लिया मैंने टारगेट रखा कि ये तारीख 2 जून 1996 को मैं मारुति 800 एयर कंडीशन गाड़ी लूंगा। वो डेट मैंने रखा, बराबर वही डेट पे जाके मैंने गाड़ी खरीदा। जो दिन वो गाड़ी खरीद के सिद्धिविनायक टेम्पल में जाके पूजा करके हम वापस आ रहे थे, बाजू में मेरी बीवी बैठी थी। अब ये गाड़ी खरीद के 1 घंटा भी नहीं हुआ था, नया ब्रांड न्यू एयर कंडीशन मारुति 800, मैंने बोला अगला गाड़ी कौन सा। तब उसने कहा अगला गाड़ी एस्टीम रिवियरा रेड कलर, मैंने डेट तय कर दे अभी। तो हमने डेट तय कर दिया कि वी विल बाय इट ऑन आवर वेडिंग एनिवर्सरी 14th ऑफ सितंबर
2000 को जो हमारा वेडिंग एनिवर्सरी वो दिन हम खरीद लेंगे। बराबर 1:30 बजे दोपहर को जाके हमने वो गाड़ी खरीद लिया। जब हम उसको लेके माँ लक्ष्मी टेम्पल जाके पूजा करके वापिस आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, मैंने गाड़ी बाजू में लगाया, मैं लगड़ा गाड़ी कौन सा। तब उसने कहा कि अगला गाड़ी हम खरीदेंगे लग्जरी गाड़ी। तो हमने अगला गाड़ी का डेट रखा कि सन 2002 में हम अगला गाड़ी खरीदेंगे जिसका नाम है हुंडई सोनाटा। और बराबर 18 दिसंबर 2002 को हमने जाके वो गाड़ी खरीदी सोनाटा। और जैसी सोनाटा लेके प्रेयर करके हम नीचे उतर रहे थे, गाड़ी हमने साइड में लगाया और पूछा अगला गाड़ी कौन सा। और अगला गाड़ी है मेरा मर्सिडीज बेंज 29 सितंबर 2007, 3 बजे दोपहर को मैं खरीदूंगा। 80 लाख का गाड़ी है, 80 लाख रुपए का। मुझसे कुछ भी पूछो डेट के साथ बताऊंगा कि नायर साहब आप रिटायर कब होना चाहिए, डेट के साथ बताऊंगा। नायर साहब आपका अगला घर कौन सा, डेट के साथ टाइम के साथ बताऊंगा। कहां, सीजी रोड में 1200 स्क्वायर फीट, 3 बजे दोपहर, 14 जनवरी 2000, डेट के साथ। यहां बैठा हुआ कितने इंसान के पास हर चीज जो आपको करना है, खुद का ऑफिस हो, लैपटॉप हो, या आपका कुछ भी हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, मुझसे पूछो अगला मेरा फॉरेन ट्रिप कहां पर होगा, किसके साथ होगा। डेट के साथ सब तय है, तारीख के साथ तय है, कैलेंडर में ब्लॉक कर दिया, टिकट बुक करने के लिए दे दिया है। आज से 1 साल के बाद वाला हॉलीडे भी सब तय है आपके पास। आपका अगला लक्ष्य का डेट और टारगेट, हर चीज का डेट के साथ पूरे डिटेल में एक बढ़िया सा 200 पेज के बुक में जिस इंसान के पास यहां पर है, हाथ ऊपर करो। यही है प्रॉब्लम जिंदगी की कि हम में से कईयों को यह नहीं मालूम कि हमें जाना कहां है। अब जाना कहां है मालूम नहीं है तो कोई भी रास्ता चलेगा। जब मुझे मालूम ही नहीं कि दिल्ली जाना है कि लाहौर जाना है कि पाकिस्तान जाना है कि श्रीलंका जाना है, किधर भी चला जाऊंगा मैं। जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, तो मैं किस लिए लड़ रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफ कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका हर लक्ष्य, आपका हर टारगेट डेट के साथ लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए, कंप्लीटली डेट के साथ आपके पास लिखा होना चाहिए। और तभी बनी रहती है ये आग, और तभी बनी रहती है ये आग, न बुझ सकेगी वो, क्योंकि बुझने को तुम दोगे नहीं, क्योंकि एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य ऑलरेडी लाइन से तय है, लाइन से तू बुझ ही नहीं सकता, तुझे अधिकार नहीं है बुझने का। एक बार लक्ष्य लिख लिया, हम में से कई लोग लक्ष्य लिखते नहीं है एंड देयरफॉर आग हमारे को लगती नहीं है। And this is the problem. जब मैंने पूछा कितने लोगों के पास है, सब मिला के 10 आदमी के पास नहीं है, 1200 आदमी यहां पर बैठे, 10 इंसान के पास डेट नहीं है। और यही रीजन है कि पिछले 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 15 साल में आपने वो नहीं कमाया जो मन में आपने हमेशा सोचा आप कर न सके। चाहतों को आपने लगातार मारा और जरूरतों के हिसाब से जीने की आदत आपने डाल दी। चाहतों को लगातार मारा और जरूरतों के हिसाब से जीने की हमने आदत डाल दी, क्योंकि जिसका लक्ष्य नहीं होता वो जरूरतों के हिसाब से जीता है, जिसका लक्ष्य होता वो चाहतों के साथ जीता है। तो मेरी बेटी अगर आके मेरे को बोले, मेरी 3 बेटियां हैं, अगर मेरी बेटी आके बोले कि पापा मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, सिंगापुर में जाके इंजीनियरिंग करना, मैं 20 लाख दूंगा। लेकिन हम में से कई लोग की बेटियां अगर आके 20 लाख रुपया मांगे तो हम बोलेंगे देख, और हम कहानी सुना देंगे। और यही कहानी मेरे फादर ने मेरे को अपनी पढ़ाई के बारे में सुनाई थी। और मैं हिस्ट्री को दोहराना नहीं चाहता, मैं अपना बाप बनना नहीं चाहता।
अगर मैं बाप हूं मेरी बेटियों का, और अगर हस्बैंड हूं मैं मेरी बीवी का, और अगर बेटा हूं के एस नायर का और इंदिरा एस नायर का, सपने जिसके भी हो मैं पूरा करूंगा।